इस वीडियो में हम लोग नरेशन के क्रैश कोर्स की बात करेंगे। तो रही बात यहाँ पर जहाँ तक क्रैश कोर्स का सवाल होता है, इसको हम सबसे पहले 2011 के क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। 2011 में आपको नरेशन से तीन क्वेश्चन पुट किए जाते थे, तो सबसे पहले हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। 2011 का पहला क्वेश्चन है नरेशन का, दी संत सेड कॉमा हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले एक नंबर में क्या लगाना है यार भी। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सवाल ये करेंगे कि सर सबसे पहले ये बताया जाए कि आरपी क्या होता है। आरपी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अगर दो वर्ड के बाद एक कॉमा रहे तो दोनों वर्ड को आरपी बोलेंगे, तीन वर्ड के बाद कॉमा तीनों वर्ड को आरपी, चार वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो चारों वर्ड को हम आरपी बोलेंगे, पांच वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो उसको हम पांचों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, आरपी बोलेंगे। अगर दो वर्ड के पहले भी कॉमा हो, दो वर्ड के बाद भी कॉमा, उसको हम क्या बोलेंगे, आरएस बोलेंगे। थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पर। तो सबसे पहले आरभी लगाना है, तो मेरा आरभी दी, दी के बाद संत, संत के बाद सेठ, क्या तीन वर्ड के बाद एक कॉमा है, तीनों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, आरभी बोलेंगे। तो सबसे पहले आरभी लगाना है, तो आप यहाँ पर एक काम करो, दी, दी लिखने के बाद संत, एस ए आई एन टी, दी संत सेठ, दी संत सेठ, आरभी खत्म, तो में क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट लग गया। दैट लगने के बाद करना क्या है, अब आरएस पर हम चलेंगे। हम आपको पहले बता दिए हैं कि अगर वैसा सेंटेंस जैसे कि एक दो तीन चार, चार वर्ड, इसमें चार वर्ड में ये चार वर्ड के पहले भी कॉमा है, चार वर्ड के बाद भी कॉमा, तो जिसमें दोनों तरफ से कॉमा रहता है उसको आरएस कहा जाता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये गौर करेंगे कि हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है, जिसको हम हिंदी में विश्वव्यापी सत्य कहते हैं। सत्य दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य ऐसा जिसमें दुनिया के सभी लोग क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, और कोई आदमी क्या कहते हैं, ना भी कहते हैं। तो जिसमें हाँ और ना कहा जाए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिसमें दुनिया का सभी लोग हाँ बोलेंगे उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा, जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, उसमें दुनिया के सभी लोग हाँ बोलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, इसका मानी होता है सुख संतुष्टि में ही छुपा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नरेशन में चेंज ना करें, बस सेम टू सेम करना क्या कि आपको उतार देना है, एच ए डबल पी आई एन ई डबल एस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लिखने के बाद लाइज, लाइज के बाद इन, और इन लिखने के बाद यहाँ पर आप सी यू एन टी ई एन टी कंटेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर दो पर ध्यान देते हैं, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टूडे। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान ये देना कि ये जो सेंटेंस है आर यू गोइंग अवे टूडे, ये सेंटेंस बेटा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आपको बतला देते हैं कि आरभी के बाद करना क्या होता है, इफ लगाना होता है, यानी आरभी इफ आर। तो सबसे पहले करना क्या है कि आरभी लगाना है, तो मेरा आरभी ही से शुरू है, इसमें जाकर के खत्म। यहाँ पर हम ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, लेकिन एक काम ये करना होगा कि सेट टू को किस में चेंज करना पड़ेगा, आस्क्ड में, इसलिए क्योंकि आर यू गोइंग अवे टूडे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी चीज को कहा नहीं जाता है, पूछा जाता है, और पूछने का अंग्रेजी क्या होता है, आस्क होता है। तो आपको करना क्या है कि सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। तो ही से ही कटा, ये सेट टू से क्या कटेगा, आस्क कटेगा, अब बच गया यहाँ पर आस्क, आस्क का हम क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, आरबी खत्म। आरबी के बाद दो नंबर में क्या डालना, आपको यहाँ पर इफ डालना, इफ डालने के बाद करना क्या है कि आर यू गोइंग अवे टूडे, ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेटिव में चेंज करना होता है, तो फॉर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद पर जे इसमें क्या करेंगे हम, वाज बेयर, और ये वी वन प्लस क्या ले चलेंगे, आई एन जी को ले चलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरा कौन है, यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार यहाँ पर हम अस का क्या लिखेंगे, ये वी लिखेंगे, अस का क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी लिखेंगे। सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद दो नंबर में वाज वेयर लगाना है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये है कि वी के साथ वाज लगेगा नहीं, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो वी के अनुसार आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि वर लिखेंगे और गोइंग का क्या लिखेंगे, गोइंग लिखेंगे, फिर ये ए डब्ल्यू ए वाई अवे का अवे लिखेंगे, और टूडे की इसमें चेंज कर देंगे हम, दैट डे में हम ये क्या काम करेंगे, चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ही सेड टू हिम प्लीज
शिफ्ट अ बीट। ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का है, यानी आपको इंपरेटिव सेंटेंस को यहाँ पर नरेशन में चेंज करना है। जब आप इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात यह ध्यान देना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सेड कहले चाहे सेड टू कहले, सेड या सेड टू को आपको रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ही कहीं लिख दिए, और ये सेड टू है, इसके बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वेस्टेड, RQUESTED, रिक्वेस्टेड, यानी ही से ही कट गया, सेड टू से क्या कटा, रिक्वेस्टेड कटा। और ये हीम है तो हीम का क्या लिखेंगे, हीम लिखेंगे। अब मेरा क्या खत्म हुआ यहाँ पर, ये आरबी खत्म, आरबी का काम ये खत्म, आरबी का काम खत्म होने के बाद क्या लगाना है, दो नंबर में ये टू लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप क्वेश्चन को चेंज करेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जो आता है उसको बनाते समय आपको हटा देना है, यानी प्लीज या काइंडली का यूज नहीं करना है। अब आप सवाल ही करेंगे कि सर जब प्लीज और काइंडली जब हट जाएगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा, तो इसकी भरपाई कौन कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है। तो क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लिखना है, लेकिन आंसर में आपको प्लीज या काइंडली नहीं लिखना है। अब मेरे क्वेश्चन में शिफ्ट अ बीट ये तीन वर्ड बच गए, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, SHIFT शिफ्ट के बाद आ और के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये बीट लिखेंगे। दी ओल्ड मैन सेड टू मी, टू यू नो मी, ये जो आपका नरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो एक काम यहाँ पर हम करेंगे कि जब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आरबी का यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका आरबी दी से लेकर के मी तक है, तो यहाँ पर हम दी का क्या लिखेंगे, दी लिखेंगे। और यहाँ पर हम ओल्ड मैन के बदले ओल्ड मैन ही लिखेंगे, और सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डू यू नो मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है। खैर ये बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर RS का क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना होगा। तो मेरा यहाँ पर दी से दी कटा, ओल्ड से ओल्ड कटा, मैन से मैन, और यहाँ पर सेड से क्या कटेगा, सेड कट जाएगा, और मी का क्या लिखेंगे, मी। अब जाकर के मेरा आरबी का काम खत्म। अब आरबी के काम खत्म होने के बाद दो नंबर में क्या डालना, आपको यहाँ पर इफ डालना है। इफ डालने के बाद करना क्या है कि आपको RS का यूज करना है। तो RS में जैसे कि मेरा जो RS है ये डू से शुरू है, मी में जाकर के खत्म है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला यह क्या कहता है कि RS में प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब आप इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है कि सब्जेक्ट यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट कौन है, यू क्या, ये सेकंड पर्सन या मी में आएगा, मी का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये आई लिखेंगे। उसका करना क्या है कि V2 का यूज करना, तो ये जो नो है इसका V2 क्या लिखेंगे, न्यू KNEW, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन में मी बच गया, मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, मी किससे बना है, आई से। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, आरबी का सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन क्या है, ओल्ड मैन के लिए हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। तो जिस तरह हम आई का मी लिखेंगे, उसी तरह पर हम ही का क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा हम ही लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। 2012 का ये जो नरेशन का सेकेंड क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको आरबी का यूज करना है। लेकिन आरबी में यूज करने के सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बात ही गौर करना पड़ेगा यहाँ पर, कि ये जो यू है, यू क्या, ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर सेट के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन सेटर स्टूडेंट के साथ धोखा ये किया है कि यहाँ से ही, जैसे कि यू सेट टू मधुर न लिख करके यू सेट कॉमा मधुर कर दिया। फिर से सुन लीजिए, यू सेट टू मधुर न लिख करके यू सेट लिख दिया है, और यहाँ पर कॉमा डाल दिया है, फिर ये मधुर को यानी ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया है। तो जब आप इस क्वेश्चन को जब चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पर यू का क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ये सेट है, सेट के बदले क्या लिखेंगे, आप ये टोल्ड लिखेंगे। और ये मधुर का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मधुरी लिखेंगे, MADHUR मधुर। ये मेरा अरबी खत्म। अरबी के बाद दो नंबर में करना क्या है कि आपको दैट डालना, आप यहाँ पर ये दैट को डाल लो। यहाँ तक मेरा ये आरबी खत्म, दो नंबर में ये दैट खत्म। जो मेरा क्या ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार, आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, मधुर। यहाँ पर यू किस में आएगा, मधुर में। मधुर क्या है, ये पुरुष।
इनके लिए हम क्या लिखेंगे ही, तो आप यहां पर एक काम करो कि ही लिखेंगे, तो मेरा आर एस, तो आरबी का काम तो यहां पर दैट तक तो हम लोग काम खत्म कर लिए थे, अब मेरा आर एस है, मेरा आर एस यहां पर यूज शुरू है, टाइम में आकर के खत्म है, तो आर एस में सबसे पहले करना क्या कि सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट मेरा कौन है यू, तो यह सेकेंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, मधुर, मधुर के लिए क्या लिखेंगे यहां पर हम ही, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या काम करेंगे, हैज हैव को हम हैड में चेंज करेंगे, आप यहां पर भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट मेरा यू है, यू का काम क्या हुआ खत्म, सब्जेक्ट के बाद मेरे क्वेश्चन में एक दो तीन चार इतने सारे वर्ड्स बच गए, सब्जेक्ट के बाद हमको करना क्या, यहां पर हमको हैड लगाना है, उसके बाद करना क्या कि भीतरी का यूज करना है। अब आप यहां पर आकर के एफ आई एन आई एस एच ई टी फिनिश्ड लिख लीजिए, फिनिश्ड लिखने के बाद कि अब हम योर के पास आकर के थोड़ा सा वेट करेंगे, रुकेंगे, यहां पर योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट कौन सा, जिस तरह हम यू का योर लिखते हैं उसी तरह मधुर क्या है, पुरुष, मधुर क्या है यहां पर, ये देख लीजिए पुरुष, पुरुष के लिए हम ही लिखते हैं, तो ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा यहाँ, तो जिस तरह हम यू का योर लिखेंगे उसी तरह ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप हीज लिख लीजिए, और हीज लिखने के बाद आप यहाँ पर होम का होम लिखेंगे और वर्क का वर्क ही लिख लीजिए, इन का इन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, हम टाइम का टाइम लिखेंगे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ही सेड हाउ लवली पिक्चर इट इज, ये क्वेश्चन आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है, जब आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि करना क्या है, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है और जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आरबी का यूज करना है, तो मेरा आरबी ही से लेकर के सेड तक है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में करना क्या है कि आपको सेड को एक्सक्लामेट विथ डिलाइट में चेंज करना है, या एक्सक्लामेट विथ सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं, या एक्सक्लामेट विथ जॉय में भी चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर में यहां पर हम आरबी को काट देते हैं, आरबी में करना क्या है कि हम यहां पर ही का ही लिख दिए, ही लिखने के बाद यहां पर सेड है, सेड को किस में चेंज करेंगे, ई एक्स C L A I M E D exclamate with delight D E L I G S T exclamate with delight, हम आपको पहले बता चुके, आप यहां पर गौर कर लीजिए, said exclamate with delight में अगर आपकी इच्छा है कि हम delight नहीं लिखे joy लिखे तो आप joy भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हम ना delight लिखे ना joy लिखे surprise लिखे तो भी आप लिख सकते हैं। आरबी खत्म होने के बाद दो नंबर में करना क्या है कि आपको यहां पर ये डाइट डालना है, चलिए मैं यहां पर डाइट को डाल दिए, अब मेरा क्वेश्चन हाउ से लेकर के, हाउ के बाद लवली, लवली के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद इट, इट के बाद इस, यहां तक ये बच गया, तो ये क्वेश्चन मतलब एक्सक्लामेटरी है, यानी मेरा ये आर एस का पार्ट है, आरबी काम खत्म, दो में आर एस डाइट का काम खत्म, यानी आर एस बच गया, तो मेरा आर एस हाउ से शुरू इज में जाकर के ये खत्म है, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी आपको यह बरतनी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाती है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब आप यहां पर एक सवाल करेंगे कि सर मैं आपकी बात को यह समझ गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज तो किया जाएगा, लेकिन चेंज कैसे करेंगे, अब यहां पर आके मैटर यह फंसता, थोड़ा सा गौर करेंगे, ये जो लिखा हुआ है कि हाउ लवली अ पिक्चर इट इज, कितनी प्यारी है यह तस्वीर, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये ई एस ये आपका क्या है एक्सक्लामेटरी, हालांकि यहां पर भी हम आपको लिख दिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो ये कितनी प्यारी है तस्वीर, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह एक बहुत प्यारी तस्वीर, यानी इट इज अ लवली पिक्चर, इट इज अ वेरी लवली पिक्चर, जिसका हिंदी होता है यह एक बहुत ही प्यारी तस्वीर है। तो आप यहां पर एक काम करेंगे कि हाउ लवली अ पिक्चर इट इज का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो इट इज, तो यहां पर हम इट इज तो लिखेंगे ही, इट तो लिखेंगे ही, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको इज को वाज में चेंज करना है।
आप यहाँ पर वाज में चेंज कर लो, उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो बच गया टोटल यहाँ पर आप डाल दो, यहाँ लिखेंगे उसके बाद वेरी वेरी लिखने के बाद हम लवली लवली लिखने के बाद पिक्चर पी आई सी टी यू आर ई, कोई दिक्कत नहीं। आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू, ये जो क्वेश्चन आपका है ये 2013 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके नरेशन का। तो जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आरबी लगाना है, तो आप यहाँ पर आई का आई लिख लो, और ये सेड टू को किस में ले चलेंगे हम, ये टोल्ड में ले चलेंगे, क्योंकि ये मेरा सेंटेंस क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ये अगर मेरा आर एस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो तो ऐसी परिस्थिति में हम सेट टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, मगर क्या जब सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तब। तो आई से आई कटेगा, सेट टू से क्या कटेगा, यहाँ पर टोल्ड कट जाएगा, हिम से क्या लिखेंगे, यहाँ पर हिम लिखेंगे, हिम का भी काम खत्म। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि जब तक आरबी का काम खत्म नहीं हो जाता आपको दैट लगाना नहीं है। दो नंबर में यहाँ पर दो नंबर में आप यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, दैट के बाद आप चलेंगे आर एस में। मेरे क्वेश्चन में मेरा आर एस ये आई से शुरू यू में आके खत्म। अब यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ, तारवी का सब्जेक्ट के अनुसार, तारवी का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर आई को हम आई में ही चेंज करेंगे। आई लिखने के बाद आई यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आप यहां पर आई लिखो। जब हम आई से आगे बढ़ेंगे तो मुझे डोंट मिला, तो डोंट कह ले या डज नॉट कह ले, इसको किस में चेंज करना है, डी डोंट वी वन में चेंज करना है, तो आप यहां पर ये डी डोंट लिख लें, उसके बाद हम टी आर डी यू एस टी ट्रस्ट का क्या लिखेंगे, ट्रस्ट लिखेंगे। अब मेरे क्वेश्चन में सिर्फ यू बचा, यू क्या, ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार, आरबी का ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। द गर्ल सेड मदर विल यू गिव मी 100 रुपीज टुमारो, ये क्वेश्चन आपके नरेशन 2013 में पूछा गया था। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर सावधानी ये बरतना है कि जैसे मैं आपको बोला कि सबसे पहले आपको आरबी का यूज करना है, तो आपका आरबी आप तो ये समझेंगे कि आप बोलेंगे कि सर आप ये बताए थे कि दो वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो हम दोनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके साथ धोखा ये किया गया है कि दी गर्ल सेड टू, सेड यहाँ पर ये टू देख रहे हैं ना, ये टू ये छुपा हुआ है यहाँ पर, सेड टू मदर न लिख करके यही सी जगह कॉमा डाल दिया गया और ये मदर को यहाँ पर साइड कर दिया गया है। तो जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे आप यहां पर लिखेंगे दी गर्ल और ये सेट यहां पर टू जो छुपा हुआ है तो सेट टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। और इसमें यह किया गया है कि आपके ऑब्जेक्ट उठा करके आरएस में डाल दिया गया है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो अपने ऑब्जेक्ट उठा करके फिर आरबी में लेकर के चले आएंगे, तो यहां पर हम मदर का क्या लिखेंगे, मदर ही लिखेंगे। आरबी खत्म, आरबी के बाद दो नंबर में करना क्या है कि आपको इफ डालना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक आरबी दो में इफ, तीन नंबर में आरएस डालना है, तो आपका आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच विल से शुरू है, टुमारो में जाकर के खत्म है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा फॉर्मेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा फॉर्मेटिव में चेंज किया जाता है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, ये यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार। अब यहां पर मदर के बदले मदर ना लिखना है, हमको इनके बदले करना क्या है बेटा, सी लिखना है, सब्जेक्ट काम खत्म होने के बाद सूड उल्ट का यूज करना है। अब आपके मन में यहां पर एक डाउट होगा कि यहां पर हम सी के साथ सूड का प्रयोग करें कि उल्ट का प्रयोग करें, तो फैसला आपके हाथ में है, आप फैसला ये कीजिए कि सी के साथ क्या लगाना होता है, बिल लगता है, तो यहाँ पर सी के साथ बिल छुपा हुआ है, तो ये सी के साथ जो बिल छुपा हुआ है ये बिल किस में चला जाएगा, ये वुड में चला जाएगा, उसके बाद भीवन का यूज करना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, गिव का गिव लिखो, अब आपके क्वेश्चन में मी बच गया, मी क्या है ये पता है ना आपको, मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, मी किससे बना है, आई से बना, मी किससे बना है, ये आई से बना है।
तो ये आई क्या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ये गर्ल यानी लड़की। अब आपको करना यहां पर ये है कि लड़की के लिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। अब आप यहां पर ये फैसला कर लीजिए कि जिस तरह जो है यहां पर आई का बी होगा, उसी तरह सी का क्या हो जाएगा, यहां पर ये हर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम ये हर लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हम वन का वन लिखेंगे, एच यू एन डी आर ई डी, एच यू एन डी आर ई डी 100 लिखने के बाद बेटा आप यहां पर ये रुपीज लिखो, लो आर यू पी डबल ई एस। रही बात यहां पर टुमोरो की, तो टुमोरो को आप यहां पर दी नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहां पर, द टीचर सेड बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपका आरएस जो है इस पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। ये एक प्रकार का कहावत है, कैसे आप कभी कभी क्या कहते हैं, वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्मी पूजा है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके आरएस का क्वेश्चन अगर कोई प्रूफ वर्ब हो, कहावत हो, तो फिर आप वैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप ऐसे क्वेश्चन में करना क्या कि एक नंबर में आरबी लगाना है, तो सबसे पहले आप यहां पर बेटा दी का दी लिखो, टीचर का यहां पर हम टीचर ही लिखेंगे, सेट के बदले सेट ही लिखेंगे। आरबी खत्म होने के बाद दो नंबर में क्या डालते हैं जी, आप दैट डालते हैं ना, तो आप यहां पर ये दैट डाल लो, टी एच ए टी। अब आपके क्वेश्चन में आरएस बच गया, आपका आरएस बट से लेकर के यहां तक है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर बर्ड्स का बर्ड्स लिख लो, ऑफ का ऑफ लिख लो, अ का ए लिख लो, और ये फेदर, फेदर के बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, फेदर ही लिखेंगे। पढ़ लीजिएगा ना आप लोग, थोड़ा सा आवाज दीजिएगा पीछे से यहां पर आप। चलिए मैं साफ से लिख देते हैं, ऑफ का ऑफ लिखेंगे, अ का लिखेंगे, फेदर का हम एफ ई ए टी एच ई आर फेदर लिखेंगे। उसके बाद फ्लॉक का हम फ्लॉक ही लिखेंगे, और टुगेदर का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टुगेदर ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2014 का है, जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या कि आरबी का यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका आरबी मंजू से लेकर के मोहन तक है, तो सबसे पहले आप यहां पर एक काम करो, मंजू मंजू लिखने के बाद हम सेट टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। उसका करना क्या है कि हमको यहां पर ये मोहन लिखना है, मंजू टोल्ड मोहन। आरबी खत्म होने के बाद दो नंबर में करना क्या है कि आपको यहां पर ये दैट डालना है। दैट के बाद करना क्या है कि यहां पर ये हमको आरएस का काम खत्म करना है। तो मेरा आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच आई से शुरू है, आर में जाकर के खत्म है। तो यहां पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ये मंजू। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, मंजू के बदले हम मंजू तो ना लिखेंगे, मंजू के लिए हम क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि आगे चलना है, तो जिस तरह आई का अपना एम होता है, उसी तरह सी का अपना क्या होता है, इज, इज होता है ना जी सी का। तो ये वाला जो इज है आपको करना क्या है, यहां पर इज को वाज में चेंज करना है, नॉट का क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, सो का सो ही लिखेंगे, टॉल का टॉल लिखेंगे, फिर यहां पर हम एस का एस लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात यहां पर ये हो रही है कि यू यहां पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो यहां पर यू क्या फर्स्ट पर्सन, आरवी का सब्जेक्ट कौन है, आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। यहां पर यू क्या सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आरवी का ऑब्जेक्ट अनुसार मोहन। तो यहां पर मोहन के बदले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और जिस तरह अपना यू का अपना क्या होता है, आर होता है, उसी तरह यहां पर ही का अपना क्या होता है, इज होता है। लेकिन आपको ये जो इज है इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर इज को किस में चेंज करेंगे, आप ये वास में चेंज करेंगे। मैं आपको ऐसा समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर आर को क्या करते हैं, बियर में चेंज कर देते हैं, और आपका नरेशन बनाना क्या हो जाता है, गलत हो जाता। तो आप ये जो ब्रैकेट में इज है ये हम आपके समझाने के लिए लिखे हैं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे कि मंजू टोल्ड मोहन दैट सी
वाज नॉट, सो टॉल, एज के बाद ही और ही के बाद वाज, इज नहीं लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दो है। द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अरबी का यूज करना है, तो आपका अरबी दी से लेकर के सेड तक है। तो आप यहां पर एक काम करो कि दी का पहले बेटा दी लिखो, टीचर लिखेंगे यहां पर हम, द टीचर, शेड के बदले शेड ही लिखेंगे। अरबी खत्म होने के बाद दो नंबर में करना क्या है कि दैट लगाना है। आप यहां पर ये दैट को डाल लो, लेकिन ये जो आपके आरएस का जो सेंटेंस है, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हिंदी में विश्वव्यापी सत्य कहते हैं, यानी तारे आकाश में चमकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को नरेशन में चेंज करना कोई जरूरी नहीं होता है। तो आप यहां पर स्टार्स का स्टार्स ही लिखेंगे और ट्विंकल का आप यहां पर ट्विंकल ही लिखेंगे। फिर उसके बाद इंदा इंदा लिखने के बाद आप यहां पर ये स्काई लिखेंगे। ही सेड टू द बॉय, डोंट सीट इन दिस चेयर। ये आपके नरेशन के यानी 2014 का ये थर्ड क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसका आप नियम देख लेते हैं। इसका जो नियम होगा, सबसे पहले एक में अरबी, दो नंबर में ये नॉट टू का यूज करना है, और थर्ड नंबर में यहां पर करना है कि आपको आरएस का यूज करना है। तो मेरा आर एस ही से शुरू है, बॉय में जाकर के खत्म। यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही का ही लिखेंगे। और ये इंपरेटिव सेंटेंस में सेट कह ले चाहे सेट टू कह ले, उसको आपको बतला देते हैं कि ऑर्डर्ड में या एडवाइस में या रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। लेकिन रही बात यहां पर रिक्वेस्टेड की, अगर मेरे क्वेश्चन में अगर यहां पर प्लीज होता, काइंडली होता, तो फिर हम सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन में सिर्फ डोंट है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, आदेश की बात हो रही है। ही सेड टू बॉय, वो शिक्षक से कहा, डोंट सीट इन दिस चेयर। ही सेड टू द बॉय, वो लड़का से कहा। ही सेड टू द बॉय, वो लड़का से कहा, डोंट सीट इन दिस चेयर, यानी इस कुर्सी पर मत बैठो। अब आप यहाँ पर एक थोड़ा सा और डाउट क्लियर हम आपको कर देते हैं। आप पूछेंगे सर यहां पर ऑन दिस चेयर क्यों नहीं हुआ? तो चेयर के साथ इन दी चेयर भी होता है, ऑन दी चेयर भी होता, दोनों में अंतर क्या समझ लीजिए। अगर मेरी कुर्सी बाही वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति में कुर्सी पर के अंग्रेजी हम ऑन दी चेयर ना लिख करके इन दी चेयर लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरी कुर्सी बिना बाही वाली हो, हाथ रखने वाली नहीं हो, तो उसमें क्या करते हैं? ऑन दी चेयर लिखते हैं। अब रही बात यहां पर मेरे जो क्वेश्चन में यहां पर इनका यूज किया गया है, तो यहां पर ये कुर्सी बाही वाली होगी। तो करना यहां पर ये है कि सबसे पहले आरबी का जो हमको यूज करना है यहां, तो यहां पर हम ही का ही लिखेंगे। और ये सेट टू के बदले हम क्या लिखेंगे? ओ आर डी ई आर ई डी और डेट का यूज करेंगे। आरबी के बाद करना है कि दो नंबर में आपको यहां पर नॉट टू डालना है। ऑर्डर लिखने के बाद, ओ सॉरी, सबसे पहले हमको करना है कि अरबी का काम खत्म कर दो। तो मेरा अरबी ही से लेकर के ये बॉय तक है। ही ऑर्डर्ड द बॉय, अरबी खत्म। अरबी के बाद दो नंबर में करना क्या है कि नॉट टू का यूज करना है। लेकिन थोड़ा सा आप यहां पर ये ध्यान देंगे कि यहां पर ये ही से ही कट रहा है, से टू से क्या कट रहा है? ऑर्डर कर रहा है। ही से ही कटा, से टू से ऑर्डर कटा, डी से डी कटा, बॉय से बॉय कट गया यहाँ। और ये डोंट से क्या कटा? नॉट टू कट गया। अब मेरा क्वेश्चन सीट से लेकर के आपको यहां तक ये बच गया। अब यहां पर मुझे करना क्या है कि सीट को किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर सीट का सीट ही लिखेंगे। चेंज इसलिए नहीं करना है क्योंकि टू के बाद हमेशा बी वन का ही यूज किया जाता है, टू के बाद हमेशा बी वन का यूज किया जाता है। अब आप यहां पर इन लिख लीजिए। इन लिखने के बाद दिस का क्या करेंगे? दैट लिखेंगे। और चेयर के बदले बेटा यहां पर आप ये चेयर लिखेंगे। ही सेड टू मी, विल यू बी देयर टुमारो। ये क्वेश्चन आपके
नरेशन का है और ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको अरबी का यूज करना है आपको यहाँ पर यही। लेकिन जब भी अरबी में सेट की बात हो, टोल्ड की बात हो, आस्क्ड की बात हो, आप अपने आरएस में देखना नहीं भूलेंगे। जैसे कि विल यू बी देयर टुमारो, ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है। जब आपका आरएस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेट टू को आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम मी का मी लिखेंगे। यानी यहाँ ही से ही कटा, सेट टू से आस्क्ड मी से क्या कटेगा मी, ये आरबी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हम लोग ही से लेकर के मी तक काम कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इफ में चलेंगे तो यहाँ पर मीफ को भी डाल दिए। अब मेरा काम बिल से लेकर के टुमारो तक बच गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, इधर उधर की बात नहीं कीजिए जब आप इस क्वेश्चन को। हाँ तो मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विल यू बी देयर टुमारो ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो अफर्मेटिव में बेटा सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करो। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन अरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार। मी का क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम या ही लिखेंगे। थोड़ा सा सावधानी ये बरतना है कि जिस तरह यू का अपना क्या होता है जिस तरह अपना यू का अपना बिल होता है, उसी तरह आई का अपना क्या होता है, सैल होता है। ये जो आई में सैल छुपा हुआ है, ये वाला सैल किस में बदल जाएगा बेटा, यहाँ पर ये सुड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये सुड में, SHOULD। लेकिन अभी जो यहाँ पर हम ब्रैकेट में दे करके सेल लिखे हैं और सेल को सूट में चेंज किए हैं, तो एग्जाम में आप इफ आई सूट लिखेंगे, सेल लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर विल बदल रहा है, कि यहाँ पर आई में जो सेल छुपा हुआ है वो बदल रहा है। सूट के काम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर यह बी का यूज करना है। बी के काम खत्म होने के बाद यहाँ पर हम देयर का यूज करेंगे और मेरे क्वेश्चन में टुमारो बच गया। टुमारो को हम दी नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लीजिए, एक नंबर में अरबी लगाना है तो यहाँ पर ही कहीं हो गया, सेट टू कास्ट हो गया, मी का मी हो गया, अरबी खत्म। दो नंबर में क्या डालना, इफ डालना है तो बेटा यहाँ पर इफ डाल दिए। इफ के बाद मेरे क्वेश्चन में आरएस बच गया तो मेरा आरएस बिल से शुरू है, टुमारो में खत्म है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट कौन है, यू। सेकेंड पर्सन ये अरबी का ऑब्जेक्ट में आएगा, अरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम आई, तो जिस तरह यू का अपना बिल होता है उसी तरह आई का अपना क्या होता है, ये सेल। तो आई में जो सेल छुपा, ये सेल किस में भागेगा, सूट में, और यहाँ पे बी का बिल लिखेंगे, फिर देयर का देयर, और टुमारो की जहाँ तक बात है टुमारो को हम दी नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। तो ये आपके 2015 का सेकेंड क्वेश्चन है। श्वेता सेड टू हर फादर, आई हैव नॉट डन इट। जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो सबसे पहले अरबी का यूज कर लीजिए। तो श्वेता SHWETA श्वेता, श्वेता लिखने के बाद सेट टू का हम किस में चेंज करेंगे, हम यहाँ पर हम टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद हम हर का हर लिखेंगे, फादर का यहाँ पर हम फादर लिखेंगे, अरबी खत्म। अरबी का दो नंबर में करना क्या है, हमको यहाँ पर ये डाइट को डालना है। उसके बाद बचा मेरे क्वेश्चन में आरएस, मेरा आरएस आई से शुरू है, इट में जाकर के खत्म है, मेरा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ये श्वेता। हम श्वेता को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर हम सी में चेंज करेंगे, श्वेता के बदले यहाँ पर श्वेता लिखना कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर हम सी में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आई का काम खत्म, मेरे क्वेश्चन में जब हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो मुझे हैव मिला, तो हैव को किस में चेंज करेंगे बेटा, हैड में। उसके बाद यहाँ पर हम नॉट का क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, डन का डन लिखेंगे, यहाँ पर हम इट का इट लिखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ही सेड मीरा गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर फिर इस क्वेश्चन में आपको एक डाउट में ये रखा गया है कि यहाँ पर होना चाहिए तो ही सेड टू मीरा, ही सेड टू मीरा, लेकिन यहाँ से टू को हटा दिया गया और आपको क्वेश्चन ऐसा इसलिए दे दिया गया कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, ही सेड कॉमा मीरा गिव मी योर पेन, उसने कहा मीरा मुझे अपनी कलम दीजिए। यानी वह मीरा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जरा आप अपनी, यानी कृपया आप अपनी कलम मुझे दे दीजिए।
तो यहां पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि अरबी का यूज करेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किया जाए उसमें हम ऐसे क्वेश्चन में हम सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे यानी विनती किया जाए, तो यहां पर हम ही का क्या लिखेंगे, ही। और सेट को बेटा यहां पर हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे आर क्यू यू एस टी ई डी। रिक्वेस्टेड लिखने के बाद यहां पर हम लिखेंगे मीरा, ही रिक्वेस्टेड मीरा। आरबी का काम खत्म होने के बाद दो नंबर में आप यहां पर टू को डाल लो। अब मेरे क्वेश्चन में मेरा आर एस अगर रियल में अगर देखा जाए तो हालांकि ये तो मीरा से है लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये गिव से शुरू है पेन में आकर के खत्म है, तो गिव के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम गिव ही लिखेंगे। अब रही बात यहाँ पर मी की, तो मी मेरा यहाँ क्या ये फर्स्ट पर्सन है, मी क्या ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा अरबी का सब्जेक्ट, अरबी का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो जिस तरह आई का मी होता है उसी तरह ही का आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पर, हिम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये योर है, योर किससे बना है, ये यू से बना है, योर सेकंड पर्सन। तो जिस तरह यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर ये यू क्या, ये सेकंड पर्सन। अरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, मीरा। तो मीरा क्या यहाँ पर लड़की है, लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे, सी। तो जिस तरह सी के बदले हर हो, यानी जिस तरह यू के बदले योर हो गया उसी तरह सी के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, आप ये पेन लिखेंगे। वो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप 2011 से लेकर के 2015 तक आप नरेशन का क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लौट सकते हैं।